राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही द्रौपदी मुर्मू को देश भर से बधाई और तोहफे मिलते नजर आ रहे हैं लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से कुछ दिन पहले ही यहां पर द्रौपदी मुर्मू की भाभी ने उन्हें कुछ ऐसा खास तोहफा दिया है जो एक बड़ी उम्मीद के रूप में है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वो उसका इस्तेमाल करती नजर आएंगे दरअसल आपको बता दें कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को दिल्ली में पद की शपथ लेने पर पारंपरिक संतालीस साड़ी पहन सकती हैं जी हाँ ये बहुत बड़ी खबर है दरअसल उनकी भाभी सुख्री पूर्वी भारत में संताल महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष साड़ी लेकर दिल्ली आई हैं सुकुरी अपने पति तारिनसेन तारद के साथ संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू की भाभी ने कहा कि मैं दीदी के लिए एक संथाली पारंपरिक साड़ी लाई हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वे शपथ ग्रहण के दौरान इसे पहने वह पहनेंगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी हालाँकि सुकुरी ने माना कि राष्ट्रपति भवन नए राष्ट्रपति की पोशाक तय करेगा संथाली साड़ियों के एक छोर पर कुछ धारी का काम होता है और विशेष अवसरों पर संथाल महिलाओं द्वारा पहना जाता है साड़ी लंबवत सममित है और दोनों सिरों को समान रूपांकनों के साथ डिज़ाइन किया गया है सुकुरी जो अपने पति और परिवार के सदस्यों के साथ मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के पास उपेरबेड़ा गाँव में रहती हैं उन्होंने कहा कि वह मुर्मू के लिए पारंपरिक मिठाई पेनकेस भी ले जा रही हैं जिसे अरीसा पीठा भी कहा जाता है इस बीच आपको कुछ जानकारी दे दे तो मुर्मू की बेटी इतीश्री और उनके पति गणेश हेम्ब्रम नई दिल्ली पहुंच गए हैं और नव निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ रह रहे हैं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि निर्वाचित राष्ट्रपति के परिवार के केवल चार सदस्य भाई भाभी बेटी और दमाश शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे इस दौरान आदिवासी संस्कृति और परंपरा का सार परिलक्षित हो सकता है लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरीके से राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू बैठने जा रही लेकिन उनका पूरा परिवार खुश नज़र आ रहा है और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू पर प्यार लुटाती नजर आ रही है उनकी भाभी ये बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर है क्योंकि भारत देश के कई घरों में आप देखते ही हालात क्या होते हैं लेकिन ये आदिवासी चेहरे के रूप में द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी मिसाल कायम करने जा रही हैं देश की महिलाओं के लिए देश के उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि जाति समुदाय सचमुच मायने रखता है उनके लिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव जीतना बहुत बड़ा एक तरीके से जवाब के तौर पर है नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट